The duration of the coaching will be batch 1 of 2024 will be in 3 months, October, November and December. Then we have 45 days will be given to the constitutional and legal law, and 45 days will be given to the general knowledge and aptitude. Clear upon idhar tak? And next, uske baad mein jo current affairs apan jo chal raha, that will be completed till our exam. ठीक है? हर संडे करंट अफेयर्स क्लास है, वीकली क्लास. अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बेसिक जो टॉपिक दिया मैं अंडरस्टैंडिंग के वास्ते, क्या क्या पढ़ते हैं आप? प्रियम्बल, सिटीजनशिप, डॉक्ट्रिन्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, पार्लियामेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी क्या है, और मिसेलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर पॉइंट? ओके सर. नेक्स्ट वी हैव, अब एप्टीट्यूड रहता, एप्टीट्यूड जो पार्ट ए है, एप्टीट्यूड एंड जीके में एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहता, यू हैव योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. ठीक है, ये पूरी कोचिंग हुई, कोचिंग के साथ पढ़ेंगे इसको. अगर आप ये देखें तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आते, जी जी वर्बल एबिलिटी में क्या रहता हूँ? सीरीज, नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते आपको, कोडिंग एंड डिकोडिंग के सीरीज क्वेश्चन आते, लेटर्स एंड सिंबल सीरीज आते, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आते, और एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न आता. ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन आते आपको पूरे. ओके जी सर, क्लियर है पॉइंट? ये नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते आपको, तो 30 क्वेश्चन है, 30 से 20 क्वेश्चन आपको इसी में आते, सीरीज के ही आते, ये पूरा आपको सॉल्व कराएंगे. ओके, कोई डाउट है इधर तक? नो सर. देखिए उसके बाद में अब हम क्या क्या पढ़ाते हैं आपको, व्हाट वी प्रोवाइड, ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लेक्चर्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस एक्सप्लेनेशन. नॉर्मली क्या है, मोस्ट ऑफ यू इंग्लिश में ज्यादा, इंग्लिश में आपको प्रोफेशन नहीं रहते, तो आपको लेक्चर्स उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में रहेंगे, जो एक्सप्लेनेशन रहेंगे आप. अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो ऑफलाइन लेक्चर रहेंगे, ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन रहेगा. पेपर जी पेपर किस में आता है सर? मतलब पेपर किस में आता, कौन सा लैंग्वेज में आता? इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु. आपको जो अच्छा. क्वेश्चन पेपर, आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु. जब आप अप्लाई करते रहते तो आपको ऑफ करना रहता, कौन सी लैंग्वेज होना आपको. इंग्लिश अच्छा. तो कॉमन रहता, इंग्लिश आपको कॉमन क्वेश्चन पेपर रहता, उसके साथ या तो उर्दू लिए तो उर्दू आता, तेलुगु आता तो तेलुगु आता. ठीक है, अच्छा उर्दू मीडियम के भी है तो जी कोई सर. टेंशन नहीं है, आपको उर्दू में क्वेश्चन पेपर आता. ठीक है, जो तेलंगाना के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तेलुगु और उर्दू है, तो आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करें इंग्लिश के साथ वो लैंग्वेज आता है, इंग्लिश कॉमन रहती है लैंग्वेज. ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी दिखाता हूँ आपको. ओके, क्लियर है, कोई डाउट है इधर? नो सर. तो बाद में वी हैव जो टारगेट एंड लिमिटेड स्टडी मटेरियल, माने आपको जो एग्जाम के लिए पढ़ना है. क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी है? 42, फोर्टी ओके टू सर. ठीक है, 42 मार्क्स अगर प्रीसीलेक्ट आए. कीजिए सर. जी अगर अच्छे मार्क्स आए तो लाइक अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 42 पासिंग मार्क्स है. यस, दैट विल बी कन्वीनर सीट, दैट विल बी फ्री सीट. अगर आपको 42 ओके
120 में से 42 अगर आए तो दैट विल बी अ फ्री सीट, स्कॉलरशिप आती है उसकी। अब इनकम सर्टिफिकेट निकाल लेना पड़ता। अच्छा, अब ये जो मेटे इरेस्पेक्टिव ऑफ एज सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ, एज यस, लॉ पढ़ने के लिए आपको खानून वो नहीं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलएलबी अगर करना है तो 30 इयर्स तक स्कॉलरशिप होना है, और एलएलएम करने के लिए 32 है। 30 इयर्स के अंदर रहना, तो 30 इयर्स के अबव है आप लोग, तो 30 इयर्स के अंदर है, अंदर सर। है तो मिल जाती स्कॉलरशिप, ठीक है। और अगर आप फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कास्ट है, लाइक सैयद है, खान है, पठान है, तो आप लोग ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट निकाल लेना, ठीक है, फॉरवर्ड ओके सर, ऑल राइट सर। कास्ट है, 19 इयर्स। 18 के अंडर इट डजेंट मैटर, आप इंटर कर रहे हैं ना, इंटर सेकेंड ईयर में है तो आप दे सकते, है। अच्छा, इंटर सेकेंड ईयर में अगर है तो दे सकते हैं आप इसका, और डिग्री फाइनल ईयर में है तो भी दे सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो एज लिमिट, एलएलबी पढ़ने के लिए एज लिमिट नहीं है, बस इतना शर्त है कि इंटरमीडिएट कम से कम करके रहना, या इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में रहना। आप 80 साल का बूढ़ा भी कर सकता, 100 साल का बूढ़ा भी कर सकता, ठीक है। कानून मतलब पढ़ने के स्कॉलरशिप लिए देयर इज नो नहीं एज लिमिट, ठीक है। नाउ वी हैव, जो अपन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो स्टडी मटेरियल दूंगा, उसमें क्या है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, कब से, 2014 से। अपना तेलंगाना कब बना, 2014, 2 जून। तो 2 जून 2014 से जो भी बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का बेर एक्ट रहता है, आर्टिकल्स रहता है, जो मैं आपको कोचिंग के टाइम पे बताता हूँ, यू हैव टेकन द पीजी स्कॉलरशिप, डिग्री में लिए थे स्कॉलरशिप आप, अगर आप डिग्री में नहीं लिए तो आपको डिग्री की आती स्कॉलरशिप। नेक्स्ट यू हैव प्रैक्टिस सर, क्वेश्चंस, मिनिमम फीस कितनी रहती है अगर क्वालिफाई भी हो गया, अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो फीस कितनी रहती है मिनिमम? कॉलेज वाइज दिखाता हूँ आपको, लिस्ट है कॉलेज वाइज दिखाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट रुकिए। ओके सर। कॉन्स्टिट्यूशन का बेर एक्ट रहता है, सिलेबस आपका मटेरियल में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ आपको, और मॉक टेस्ट, जो एग्जाम से पहले जो रहते, पूरे के पूरे 12 12 प्लस मॉक टेस्ट देता हूँ, एक्चुअल एग्जाम जैसा लिखने के लिए आप, ठीक है। गारंटीड कन्वीनर सीट इफ फॉलोड द कोचिंग रिलीजियसली, अगर आप, मैं जो बताया, आप लोग बराबर पढ़े उसके लिए, देन यू विल गेट, कैसा भी स्कॉलरशिप आती है आप, ठीक है, ओके। आपको जो स्टडी मटेरियल आपको है, सॉफ्ट कॉपी में रहता और हार्ड कॉपी में रहता, और क्या है, आपको पावर नोट्स मिलता है, जो क्लास में, अगर आपको, व्हेन यू आर टेकिंग द क्लास, जब आप नोट्स सीख लेते हो, पावर नोट्स देता हूँ आपको। एप्टीट्यूड मटेरियल है, हैंड रिटन करंट अफेयर्स मटेरियल, डेली वीकली मंथली, करंट अफेयर्स मटेरियल आपको रोज पीडीएफ आ जाता है, 2 दिन में एक बार या डेली, लेकिन क्लास एक्सप्लेनेशन आपको वीकली होता है, करंट अफेयर्स। यस, एलएलबी में आती है आपको स्कॉलरशिप, पीजी का लिए बोल रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर रिवीजन, सर, वो वैसे नहीं, इज देर एनी एज लिमिट फॉर द स्कॉलरशिप ऑल्सो? 30 इयर्स, 30। ओके, थर्टी इयर्स 30। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, 30 इयर्स के अंदर है, 30 इयर्स इज द एज लिमिट फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। वे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस है अपने, 3 इयर्स के अलग कॉलेजेस है, या कोई थोड़े कॉलेजेस दो भी देते हैं आप, अगर आप कॉलेजेस की लिस्ट देखें, देखिए स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, अरे उल्टा सीधा स्क्रीन, हेलो, यस सर, यस सर, ये देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये
5 साल की एलएलबी डिग्री, 5 ईयर डिग्री कोर्स जो इंटर के बाद करते आप। फाइव इयर्स डिग्री कोर्स। अब देखिए पहला कॉलेज कौन सा दिख रहा है आपको? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ है। हाँ सर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ काकतीय। देन ये कहाँ है? काकतिया में है, दैट इज वरंगल। उसमें ये कोएड है, कन्वीनर कितने सीटा है? 60 सीटा रहते यूनिवर्सिटी में। इसके कोड क्या है? KU। उसकी एनुअल फीस है 13,780। ये लास्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर इसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो आपके वो टाइम आपके जो 2024 में अपडेटेड लिस्ट आएंगी, उसमें फीस भी चेंज हो सकती है और कॉलेज ऐड भी होते डिलीट भी होते। सेकेंड क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ लॉ बशीरबाग उस्मान यूनिवर्सिटी है। इसमें कितने सीटा हैं? 60 सीटा हैं। और कितने हैं? फीस कितनी है? 25,000। देन यू हैव OU उस्मान यूनिवर्सिटी है। उस्मान यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है? 16,000 है। कितने सीटा हैं? 60, ठीक है। वैसे ही आदर्श लॉ कॉलेज है, अनंता लॉ कॉलेज है, अरोरा लीगल सर्विसेज है, केवी रंगारेडी, केशव मेमोरियल, पूरे हैदराबाद के कॉलेज जो हाईलाइटेड है, दे आर ऑल हैदराबाद कॉलेज। महात्मा गांधी लॉ कॉलेज है। आई डिड माई एलएलबी फ्रॉम महात्मा गांधी लॉ कॉलेज एंड एलएलएम फ्रॉम ओयू। केशव मेमोरियल कॉलेज, पडाला रामा रेड्डी है। इस सबकी फीस अलग अलग है। देखिए अगर अनंता लॉ कॉलेज में चले गए तो 35,000 फीस है, अगर आप यूनिवर्सिटी में गए तो 16,000 फीस है, आदर्श लॉ कॉलेज 20,000 फीस है। हर कॉलेज के हिसाब से, प्राइवेट कॉलेजेस है तो उन लोगों के हिसाब से ना फीस डिसाइड कर ली, ठीक है। महात्मा गांधी लॉ कॉलेज में 36,000 है, प्रेमदकंडी लॉ कॉलेज में गए तो 20,000 है। उसके बाद में भास्कर लॉ कॉलेज है मोइनाबाद पे, इसकी फीस 16,000 है। तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल लॉ कॉलेज भी है संगारेड्डी में। समझ आ गए? और कितने कितने सीटा हैं? हर कॉलेज में 60 से लेके 120 सीट्स रहते। हाँ, महात्मा गांधी लॉ कॉलेज में ऑनर्स बोल के एक है, इसमें आपको सीटा ज्यादा दिखते हैं, आपको 120 120 सीटा हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? ये आर ऑल कॉलेजेस। जी ये सर, आप कोई ग्रेजुएशन में बीएससी करे तो भी एप्लीकेबल है सर लॉ सेट के लिए? अच्छा, भी रहना दो, बीए करो, बीएससी करो, बीटेक करो, कोई भी रहना दो, 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कर सकते हैं आप, बीकॉम बीएससी कुछ भी रहने दो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये क्या थे? कौन से कॉलेज की लिस्ट देखिए आप? 5YDC की। दिस लिस्ट आई विल सेंड इन द ग्रुप, वो चेक कर लीजिए आप, ठीक है। अगर आप 3YDC की देखे कॉलेज कॉलेजेस तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ है, इसकी फीस कितनी है वारंगल की? 11,780, 3 साल के लिए एलएलबी है ये। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ ओयू कैंपस हैदराबाद, फीस कितनी है इसकी? 16,000, 16,000। मनायर कॉलेज ऑफ लॉ खम्मम में है, 25,000। देन ऑल दिस कॉलेजेस आर ऑफ हैदराबाद, अनंता लॉ कॉलेज, अरोरा लॉ कॉलेज 35,000, 34,000, केशव मेमोरियल हाई स्कूल, केशव मेमोरियल लॉ कॉलेज ऑफ लॉ 25,000। दिस आर ऑल लॉ कॉलेज फॉर 3YDC। विश्व भारती कॉलेज, सर ये जस्टिस लॉ सेट के बाद फी पे करना है? नहीं लॉ नहीं लिख सेट, के मतलब। लॉ सेट लिखे बाद में क्वालिफाई हो गए बाद में, ठीक है। अच्छा ये कॉलेज फीस है, क्वालिफाई हो गए बाद, मैनेजमेंट सीट वो ना कितने भी लेता पैसे आपसे, क्वालिफाई हो गए बाद में अच्छा ये फीसा है, ठीक है। जिसको स्कॉलरशिप आती है आपको, जी अगर एलिजिबिलिटी है तो आप, ठीक है। जी सर। ओके, अब उसके बाद में देखो, अब आप लोगों को अब और एक ये डाउट रहता, लॉ सेट की फीस कितनी है बोल दो, रहता ना रहता। जी अब लॉ सेट जब नोटिफिकेशन आता आपको, तो 3 साल 5 साल के लिए आपको जो लॉ सेट की फीस रहती है 800 रुपये रहती, द फीस विल बी 800 रुपीज, ऑनलाइन भरना रहता आपको।
और ST ST और फिजिकली हैंडीकैप है तो देयर विल फीस ऑफ 500 रुपीज, 300 उसमें रिमिशन है उसमें। अब लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, दीज आर द डेट्स 2022 में जो है ये डेट्स चेंज हो जाते, लेट सबमिशन भी कर सकते हैं आप विथ फाइन, ठीक है। फाइल की फीस 800 रुपये थी, अब नेक्स्ट ईयर कितनी रहती वी नॉट नो, 800 1000 वे चेंज होते रहती, ठीक है। फिर उसके अंदर रैंक कार्ड आता, वंस यू क्वालिफाई यू विल गेट ऑल दिस। अब एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, आपको पहले बता दिया आपको मैं, और ये क्या एलिजिबिलिटी के लिए कितना होना है, 42% आपको परसेंटेज रहना, डिग्री में इंटर में कितना परसेंटेज आ रहा, कम से कम आपको 45% रहना जनरल कैटेगरी के लिए, 45%, और 42% किसके लिए, ओबीसी के लिए इंटर में या डिग्री में, तो ही आपको एडमिशन मिलता। कौन जा रहा, जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, बड़े दफा जनरल कैटेगरी 45%, ओबीसी के लिए कितना है 42%, और ST ST के लिए 40%। इतना मिनिमम एलिजिबिलिटी रहना आप लोगों के लिए है, नहीं है। हेलो, जी हेलो, सर, समझ जी सर, हाँ आ रहा नहीं आ रहा है, यू हैव योर 45% मिनिमम। ओके, सर, तो उसके बाद में ये पूरे होते हैं, और आपको याद रखिए जो डायरेक्ट डिग्री करता उन्हें एलिजिबल नहीं रहता, इंटर करके ही आना पड़ता उसे। बहुत जने क्या करते हैं 10th के बाद डायरेक्टली डिग्री कर लेते हैं अमृतसर से, सो दैट विल नॉट बी एलिजिबल। और क्वालिफाई अगर होना है तो 35% लाना है, दैट इज योर 42% आउट ऑफ 120, मैं आपको पहले ही बताया था उसमें, ठीक है। और ST ST के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, 0 भी आए तो क्वालिफाई लो। ओके, एज लिमिट देखो, एज लिमिट क्या है, देयर शेल बी नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर द कैंडिडेट सीकिंग इनटू LLB कोर्स। कोई एज लिमिट है क्या, देयर शेल बी नो एज लिमिट, ठीक है। जो LLB करना चाह रहे कितनी भी एज रहने तो कर सकते, लेकिन मिनिमम इंटर पास होना। रैंकिंग कैसा देते हैं आपको, लॉसेट में जितना मार्क्स आए देन एज कंसिडर करते, अगर टाई हो जा रहा तो एज कंसिडर करते, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 1 साल के लिए वैलिड रहता, दिस इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर। ओके, और ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डालना, देन आप ये सर्टिफिकेट रहते 10th SSC डिग्री, देन विल स्टडी इन द, जब अपना पास कर लेते देन विल सी, देन इंस्ट्रक्शंस है, दिस ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आई विल सेंड इन द ग्रुप। समझ आ गया, कोई डाउट है आप लोगों को, इफ एनी डाउट अभी तक का, नो सर, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देन जो फर्स्ट है, उसके बाद जो है ना, आप थोड़ा पढ़ा दिया आप लोगों को, जो फर्स्ट बैच हुआ था वी स्टार्टेड द सेम सिमिलरली लास्ट ईयर 2023 में स्टार्ट करे थे, पहले 3 महीने कोचिंग दिए, फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स कंटिन्यू करे हर संडे। लास्ट ईयर सिर्फ 3 दिन देते थे, अब 1 दिन बढ़ा दिए, ठीक है। दीज आर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट ईयर के लिए था, ये 2023 के लिए। फिर उसके बाद में इन द लास्ट टाइम, जो लास्ट मंथ में वी डिड अ प्रोग्राम, अपना फोटो देखे होंगे ग्रुप में, ऑल द फैसिलिटेशन फैसिलिटेशन वाज डन बाय और MLA सर, देन वी हैव ऑल द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन रहता, तो पूरे जितने भी क्वालिफाई हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेरी सर्टिफिकेट्स है ये फर्स्ट बैच का, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव क्लियर द एग्जाम। लास्ट में आप लोगों को जो क्वालिफाई हो गए बाद में जो रैंक आता है उसके बाद में विल डू ए प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है।
ये अफजल नगर ऑफिस है ये। देन एट द टाइम ऑफ सोलिसिटेशन, और ये साल का लिए स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब जो फीस है, बीए इज योर बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीबीए माने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी फीस डिटेल देखिए, 3 महीने की फीस है, तो मंथली 1000 फी रहेगी, पे एंड स्टडी, मंथली 1000 फॉर 3 मंथ्स, आफ्टर दैट नो नीड टू पे एनीथिंग, आप करंट अफेयर्स आपके क्लासेस चलते रहते, ठीक है। समझ में आ रहा? अगर आप लोगों को वो भी सर पे नहीं कर सकते आप लोग, तो आर अनेबल टू पे एनीथिंग, तो आपको एक फ्री शिप मेरिट टेस्ट रहता, और वो मेरिट टेस्ट दिए अगर उसमें 70% आप स्कोर करे, देन द कोचिंग विल बी फ्री, ठीक है। 70% आना लेकिन मेरिट टेस्ट में। अगर ओके मैम, ओके सर, आप लोग, नॉमिनल फी है 1000 रुपीज पर मंथ, अगर वो भी पे नहीं कर सकते आप लोगों, तो एक मेरिट टेस्ट दीजिए, मेरिट टेस्ट में 70% मार्क्स आए, देन द कोचिंग विल बी फ्री, और जो देना चाह रहे दे सकते हैं एग्जाम, जो नहीं देना चाह रहे डायरेक्टली आप पे कर सकते। सर इट विल बी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड एग्जाम मेरिट। दैट विल बी कहां से आप लोग? सर आदिलाबाद। सर आप लोग हैदराबाद के हैं तो आपको ऑफिस में आके लिखना है। अगर आप यू आर फ्रॉम आउटसाइड, देन आप लोगों को एक पीडीएफ भेजेंगे, बराबर टाइम के हिसाब से आपको ओएमआर भेजाते, वो ओएमआर में अगर आप ईमानदारी से ओएमआर में पूरे शीट लिख के, आधे घंटे का 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, उसे मार करके ओएमआर भेजाना आपको। ओके सर, ओएमआर अगर भेजा है आप, तो आपको की भी भेजेंगे आपके साथ ही, आप ही करेक्ट करके मार्क्स भेजाऊंगी, ठीक है। अब आप लोगों की ईमानदारी के ऊपर है, राइट। ओके सर, और कोई डाउट है? एनीवन? जी सर एक डाउट है। बोलिए। यस सर, सर ऑलरेडी मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, लाइक स्कॉलरशिप विद स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट, लाइक अभी फिर LLB और LLM करे तो लाइक नहीं बिल्कुल, कहाँ ड्यूअल कहाँ, स्कॉलरशिप मिले। 2019 स्कॉलरशिप आप में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया सर मेरा, तो ग्रेजुएशन पीजी में अभी। स्कॉलरशिप आई हाँ आपको, आई सर। तो पहले के रूल्स के हिसाब से जो ग्रेजुएशन पहले के जो रूल्स थे, ग्रेजुएशन कब जी कंप्लीट करे आप? 2019। 18 में। तो पहले के रूल के हिसाब से जो ग्रेजुएशन मिले लोगों को स्कॉलरशिप नहीं आती बोल के बता रहे थे, लेकिन अब क्या है रूल चेंज करे वो लोग, अगर आप नया कोर्स कर रहे तो नई ओके स्कॉलरशिप बोल के, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जब नोटिफिकेशन आता तो उसमें देख लेना पड़ता, लेकिन अभी तक तो अवेलेबल है स्कॉलरशिप मिल रही, ये साल आई बच्चों जो डिग्री में भी लिए उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट ईयर देखिए, नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन का बाद क्या आता, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, इलेक्शंस के बाद क्या होता वी डू नॉट नो, लेकिन अभी तक तो रूल है कि स्कॉलरशिप आती है आप वेरिफिकेशन, अगर आप आपको ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकम है, बीसी कैटेगरी है, तो स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। अभी सर, कुछ तक तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आए तो फॉरवर्ड कीजिए सर, इन नोटिफिकेशन के केस। बेस पर रहता ना, हाँ वही सर, अगर अब नोटिफिकेशन आपके पास नेक्स्ट कुछ ईयर आए। मार्च में आता, अब मार्च में ही अच्छा बोल सकते आपको नोटिफिकेशन में ना रखे नहीं रखे, मोस्ट प्रॉब्ली वो कंटिन्यू ओके होती, नेक्स्ट इलेक्शन है तो ना कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जिसको नहीं होना उलंग भी देंगे वोट के वास्ते, ठीक है। ठीक है सर। और जो एप्लीकेशन रहेगा आपको, इट्स नॉट जस्ट के आप लोगों को अभी से छोड़ दिए, अब उसके बाद में देखिए एलएलबी कर ली, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, अब एलएलबी हो गया समझे, यू हैव बिकम एन एडवोकेट, उसके बाद क्या आप डायरेक्टली क्या है जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट, एलएलबी के साथ ही जुडिशरी प्रिपरेशन करते हुए जज बन सकते, यू कैन बिकम जज, यू कैन गो फॉर जजशिप,
स्पेशली फॉर गर्ल्स जो प्रैक्टिस करना नहीं चाह रहे, 9 to 5 जॉब रहता, आप जहां बैठे वहां कोड बन जाता। जज बनने के लिए सिर्फ BA LLB काफी है, सिर्फ आप LLB करो 5 साल या 3 साल, आप जूनियर सिविल जज बन सकते, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रहती उसकी, समझ रहा। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी रहना, LLB के साथ ही प्रिपरेशन रहना। और जो मैं आपको कोचिंग दूंगा लॉ से क्वालिफाई हो गए बाद में भी, जो सब्जेक्ट्स में आपको वो जुडिशरी के बेस पे ही रहेंगी, ठीक है। अगर आप जजशिप नहीं करना चाहे तो लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते, कोर्ट में लिटिगेशन स्टार्ट कर सकते, आप अपना ऑफिस डाल ले सकते, कैन एस्टैब्लिश योर ओन ऑफिस, वर्क एज ए लीगल एडवाइजर, फ्रीलांसर, कॉर्पोरेट जॉब्स, लीगल एडवाइजर MNCs में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं आप, जॉब्स निकलते रहते हैं। देन यू हैव हायर एजुकेशन LLM, ठीक है। आप LLM के लिए आप चाहे आप इंडिया में LLM कर सकते हैं या आउटसाइड जा सकते हैं, कनाडा है, US है, इट विल ऑल्सो भी एलिजिबल। अब आप कौन से कॉलेज में ले रहे सैयदा, अब आप कौन से कॉलेज में लियो, साल भर की 3 साल की मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर 1 16,000 है तो 16,000 16,000 16,000, 30,000 है तो 30 30 30, 3 साल की पूरी कोर्स की फीस हो, हर साल साल भर में भरना पड़ता। एवरी ईयर देयर विल बी कॉलेज फीस, ठीक है। और कोई डाउट्स है?